सो नमस्कार गाइस, ये SSCCGL 2019 मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे पिक्चर दिख रहा हो आप लोगों को, तो चलो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए मैन कैन रो अ डिस्टेंस ऑफ 900 मीटर। समझो कि 900 मीटर क्या क्या डिस्टेंस है रो कर सकता है, ठीक है, अगेंस्ट द करंट। देखो करंट किधर बह रहा है, करंट मतलब धारा की दिशा क्या है ये। अब ये आदमी उधर से आ रहा है, 900 मीटर चल रहा है, ठीक है, 900 मीटर ये आदमी उधर से आ रहा है, अगेंस्ट द करंट। इसका मतलब क्या, अगेंस्ट द करंट इसका मतलब क्या हो गया इन 12 मिनट। यानी कि देखो, अगेंस्ट द करंट जब चलेगा तो धारा इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, तो जो भी इसका स्पीड होगा और धारा जितना इसको इसको इधर साइड ठेलेगा, यानी कि ये इधर आएगा लेकिन धारा इसको उधर ले जाएगा। ये 10 आएगा, ये मतलब 5 धारा ले जा रहा, तो 5 ही किलोमीटर की स्पीड से ये चल पाएगा हर एक घंटे में। तो वही है कि 900 मीटर वो धारा के अपोजिट डायरेक्शन में आता है, तो उसको कितना मिनट लगता है, 12 मिनट। सिमिलरली अब ये यहाँ से घूम के वापस चला जाता है, ठीक है। अब ये धारा के साथ जा रहा है, आप समझ रहे हो ना, धारा अगर 10 है, 5 है और इसका 10 है, तो 15 किलोमीटर की स्पीड से आगे जाएगा, तो 900 मीटर फिर जाता है ये। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 900 मीटर ये जाता है विद द स्पीड ऑफ एक्स प्लस वाई, यानी कि उसका स्पीड, नाव का स्पीड एक्स है, यहाँ पे नाव का स्पीड और धारा की स्पीड वाई है, तो ये कितना देर लगता है इसको, 9 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकालना आप लोगों को, व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर ऑफ द मैन इन स्टील वाटर, यानी कि पानी रुका रहा है, ये पानी रुक जाए तब कितना स्पीड है, यानी कि इसके जो जहाज है ये कितना स्पीड से चला पा रहा है। अगर धारा रुक जाए तो इस एग्जैक्ट धारा के थी नाव का स्पीड आ जाएगा। तो यहाँ पे नाव का स्पीड करने के लिए क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 12 × 7 = 84 होता है, 12 × 5 = 60 होता है, 900 100 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस वाई, उम्मीद आपको दिख रहा होगा, = 75, यानी कि 75। यहाँ पे रेड रंग ले लेता हूँ यार, मैं पता नहीं आप लोगों को दिख रहा भी है कि नहीं, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100। हमें एक्स का वैल्यू निकालना है, लेकिन यहाँ पे एक चीज आप देखोगे, ये चीजें मिनट में दिया हुआ और मीटर में, यानी कि मीटर पर मिनट दिया हुआ है, मीटर पर मिनट में हमारा आंसर आएगा, और इसको किलोमीटर पर मिनट में चेंज करना है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 आवर में 60 मिनट होता है, यानी कि किलोमीटर को मीटर पर मिनट में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 50/3 से इंटू करते हैं। तो अगर मीटर पर मिनट दिया हो तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 3/50 से इंटू करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि 3/50 से इंटू कर देंगे इसमें जो भी एक्स का वैल्यू आएगा। यहाँ पे 2x लिख दो, इसको ऐड करोगे तो ये कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एक्स 175, 175 डिवाइडेड बाई 2x का वैल्यू आ जाएगा, इसको हटा देते हैं, और इसमें हम क्या करेंगे, 3/50 से इंटू कर देंगे। 25 × 2 = 50, 25 × 4 = 100 होता है, 25 × 8 = 200 होता है, तो 7 बार में आई थिंक ये कट जाएगा, ये क्या है यार, 50, हाँ ठीक है। तो 25 × 2 = 50, 25 × 5 = 125, 25 × 6 = 60, ठीक है एकदम। 21/2, 21/2 विल बी द आंसर, एंड 21/2 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ये वाला आंसर करेक्ट है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, पूरी डिटेल में मैंने समझा दिया है, ठीक है, और फिर पूरे लॉजिक से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है।